हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी के बज रहे हैं 6:30 और आज ऐसा प्लान है कि सिर्फ मेरा ही वाराणसी घूमने का प्लान था। सच ही उसके मम्मी पापा का, लेकिन मैं जिनके घर पे आया था शादी के लिए वो सारे फैमिली भी आज चल रहे हैं और प्लान में फिर थोड़ी चेंजेस है कि आज वाराणसी में 2-3 मंदिर है वो घूमेंगे और शाम को आरती देखेंगे और वापस से यहाँ आ जाएंगे। तो मतलब मैं यहाँ पर और एक दिन हूँ और कल मैं जाऊँगा वाराणसी। तो आज वाराणसी घूम के वापस आऊँगा, फिर वापस कल जाऊँगा। तो आज ही जितना घूमना खाना पीना वहाँ का है कर लूँगा, क्योंकि कल एक फैमिली मेम्बर के घर जाना, विज़िट करना है। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक। अभी के बज रहे हैं 9:50 और हम सब रेडी हो चुके हैं। हमने सिर्फ चाय पिया, नाश्ता वगैरह नहीं किया, क्योंकि हमें वाराणसी में जाके पूजा करना है। पूजा करने के बाद ही वहाँ का कुछ खाना खाएंगे और मैं भी टेस्ट करूँगा कि वाराणसी का खाना वगैरह कैसा होता है। सिर्फ वाराणसी का घाट ही नहीं जाएंगे, 2-3 मंदिर और भी कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ी आ चुका है, अब हम सब रेडी है। 2 फैमिली मेम्बर है जिनको स्टेशन भी छोड़ना है, उनको छोड़ के फिर बाकी का घाट वाट कवर करेंगे। और आरती का टाइम शाम का होता है जो कि ख़त्म होता है 8:30-9:00। तो फिर वहाँ से निकलेंगे और फिर इधर आएंगे। अभी ये बज रहे हैं 10:30 और यही कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये अभी तक चल ही रहा है, ये देखिए इसमें भी डिसाइड हो रहा है, इसमें भी डिसाइड हो रहा है। 2 गाड़ी है, उसके बाद भी शॉर्ट पड़ रहा है। ये जगह को, ये फ्लाईओवर को बोलते हैं बलुआ घाट। इसके नीचे है गंगा जी बह रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं ना कि लाइफ में जितना भी कुछ कवर करना चाहो पर वो हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो हम इतना लेट निकले घर से, इतना लेट निकले कि सबसे पहला हम गए थे सारनाथ मंदिर, वहाँ का टाइमिंग ही है 12:00 तक और हम पहुँचे 12:30, वो 3:00 के बाद खुलेगा। तो अगर हम वहाँ वेट करेंगे तो फिर हमारा बनारस वाला जो मेन घाट है वो कवर नहीं होगा। तो इसलिए वो छोड़ के अभी बाकी का जितना मंदिर है वो कवर करें। तो सबसे पहले हम लोग आए दुर्गा जी का मंदिर, का नाम है दुर्गा कुंड मंदिर आए हैं। अब यहाँ पर अपना सब पूरा करेंगे, पूजा वूजा, फिर दूसरे मंदिर की तरफ चलेंगे। दुर्गा जी का पूजा हो चुका है, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था पर तभी भी मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके बनाया है वीडियो और आपको बाहर से व्यू दिखा दूँ मंदिर का, जो कि बहुत ही मस्त है। ये मंदिर का अंदर वाला भाग है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो अब दुर्गा जी का पूजा के बाद अब हम लोग चल रहे हैं संकट मोचन, वहाँ जाके पूजा करेंगे। तो दुर्गा जी का पूजा के बाद अब हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ का नया वाला मंदिर। और ये मंदिर बहुत सारे साइंस कॉलेज के बीचों बीच है, जो कि एक अलग ही फीलिंग दे रहा है, जो कि मैंने इसके पहले कवर किया है। तो चलिए अंदर चल के एक्सपीरियंस करते हैं मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ इसके आसपास बहुत सारे फूड स्टॉल है जो कि कोरोना की वजह से बंद है। अगर आपको कुछ खाने पीने का प्लान करना होगा तो खुद से घर से लेके आना होगा, वरना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए काशी विश्वनाथ जी का जो नया मंदिर है उसको एक्सपीरियंस करते हैं अंदर से। दुर्गा जी के मंदिर में तो मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं करा पाया क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था। आई होप सो यहाँ अलाउ है, अभी तक तो किसी ने रोका नहीं एंट्रेंस पे। अब अंदर जाके भी देखते हैं कि रोकता है कि नहीं। देखिए, इसमें घुसने से पहले ही बता दिया कि आपका क्या नियम कानून है, आप यहाँ पर कूड़ा केक काटना, गंदगी फैलाना कुछ नहीं कर सकते, जो कि करना भी नहीं चाहिए। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, हमें खुद अपना सेंस होना चाहिए। और यहाँ पर व्यायाम करना, खेलना कूदना या अड्डा मारना भी बंद, आप आइए दर्शन करिए और चले जाइए।
ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू है, जो कि बनारस BHU यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है उसके फाउंडर है। और ये उनका स्टैचू है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ BHU। ये एंट्रेंस है मंदिर का। मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कुछ देर पहले कि साइंस कॉलेज के बीच से आया बहुत ही अच्छा नज़ारा था, वो ही BHU यूनिवर्सिटी है, जो कि मुझे पता नहीं था। बाद में जब अंदर आके वो स्टैचू देखा पड़ा तब आके पता चला कि ये BHU यूनिवर्सिटी है। श्री गणेश अंबिका पार्वती जी का मूर्ति है, चलिए सामने से देखते हैं। ये रहा, और ये है श्री पंचमुख महादेव जी का मूर्ति, सामने से जाके देखते हैं। शिवलिंग, और ये श्री माँ सरस्वती। कलकत्ता में जैसा बिरला मंदिर है, एक ही मंदिर में हर भगवान जी का, सेम वैसे ही है, बीच में शिवलिंग है, उसके बाद सरस्वती माता जी का है, पंचमुखी भगवान जी का है, और यहाँ पर है हनुमान जी का। ये हमारे फोटोग्राफर हैं। जय हनुमान जी की जय। सारे भगवान जी का दर्शन हमने ग्राउंड फ्लोर में किया है, अब हम सीढ़ियों से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर और देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर में क्या है। प्रथम तल का रास्ता, यहां से हम जाएंगे ऊपर, शिव जी का मूर्ति, गीता उपदेश, और ये है फर्स्ट फ्लोर। अब देखते हैं एक्सप्लोर करके कि फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है। ये है शशि माँ, बैठी हुई धूप खा रही है, उसके संग उसके पापा भी बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चे भी वहीं पर ही है। और ये ऊपर से फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का व्यू है, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ भी शिव जी का मूर्ति है, चलिए दर्शन करते हैं चल के। श्री महामाया जी का मूर्ति है माँ, यहाँ भी शायद फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर देखें लेने देते हैं कि नहीं। ये शिव जी का मूर्ति, ठीक महादेव के बगल में एक और मूर्ति बनाया गया है, श्री लक्ष्मी नारायण, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो आप वो नंदी महाराज देख रहे हैं, वहाँ पर भीड़ है, कहा जाता है कि वहाँ पर उनके कान पे कुछ भी बोला जाए तो वो मन्नत पूरा हो जाता है, तो मेरी भी मन्नतें हैं जो कि मैं मांगूंगा और वहाँ जाके कान में बोलूँगा। देखिए सब लाइन लगा लगा के एकदम उनके कान में बोल रहे हैं। मैं उधर से लाइन लगा के आना है। गाइस आपने मेरा फोटो कलकत्ता के होर्डिंग्स में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि वाराणसी में भी होगा, वो भी सीधा BHU यूनिवर्सिटी के सामने। ये देखिए।
बड़ा